राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। एनसीआर में सबसे बुरा हाल नोएडा का है। दिल्ली एनसीआर के शहरों का एयर इंडेक्स 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में आ गया है। नोएडा में PM 2.5 का स्तर शुक्रवार को 610 पर पहुंच गया। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में आज भी PM 2.5 का स्तर 500 के पार है। और तो और दिल्ली एनसीआर में COVID-19 के मरीजों की संख्या में हाल के दिनों में उछाल देखा गया है। हर बार सर्दियों के मौसम में कोहरे के साथ या हवा के साथ धूल मिट्टी और प्रदूषण के कण मिल जाते हैं, जिसे स्मॉग का नाम दिया गया है। इससे सेहत को काफी खतरा होता है। मेडिकल एक्सपर्ट इसे लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि प्रदूषण के चलते कोरोना वायरस के हवा में कुछ और देर बने रहने की संभावना रह जाती है। ऐसे में शहर में संक्रमण के मामलों में प्रसार देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ के लगभग 80% निवासी दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की चाह रखते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2018 के आदेशानुसार राजधानी के अंदर केवल ग्रीन पटाखों का उत्पादन बिक्री और उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली सरकार 3 नवम्बर से एंटी क्रैकर अभियान शुरू करेगी। इस अभियान को चलाने के लिए DPCC की 11 टीमें गठित की जा रही है। पुलिस का सहयोग भी लिया जाएगा। आशा है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम में आप सहयोग करेंगे और प्रदूषण रहित दिवाली मनाएंगे। धन्यवाद।